आज अक्षर पटेल, मैं कह रहा था उसे खिला ले, बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग इससे अच्छी कर लेगा। पंत का क्यों नहीं बोलते यार? पंत का तो मैंने बोला कि जाया कर दिया, बैटिंग में कुछ कर छोड़ दिया, विकेट कीपिंग में कुछ कर नहीं होती उससे कीपिंग। अभी क्या रोहित शर्मा की एबिलिटी, विराट कोहली की एबिलिटी उससे कम है या ऋषभ पंत को उससे कम एक्सपोजर मिला हुआ है? दिनेश कार्तिक एकदम से गायब क्यों हुआ? आप कह रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को शमी के ऊपर होना चाहिए, फलाने के ऊपर होना चाहिए ना उसके। मैं तो आज के मैच का हीरो समझ के रहा था उन्हें, जो बैटिंग वो करके गए थे। मुझे मालूम है ना कि बॉल नहीं आ रहा था सही फर्स्ट हाफ में बैट पर, लेकिन भाई रोहित डिड भेजा कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों मैचेस में उसकी कमी खली, लेकिन एक मैच नहीं खिलाया आपने उसे। एक अच्छा विकेट कीपर उस गेंद को पकड़ता है, उसके दोनों पांव लोग आईपीएल को पसंद करते हैं। बैटिंग में जो आपने रन्स कम किए पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन्स एंड पे, और आज श्रीलंका के धोनी क्या करता था? धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत ये करेगा ये शायद किसी भारतीय को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भारत टीम से इतनी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार तो एशिया कप के फाइनल भारत के नाम ही होगा, क्योंकि भारत की जिस प्रकार से टीम है और जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं वो अपना मेच्योरिटी इस खेल में नहीं दिखा पाए और वह कहीं ना कहीं अपना आपा खो दिए, और रोहित शर्मा के कप्तानी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है पिछले कई मैचों में, और उन्होंने 5 बार आईपीएल की खिताब जीता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बहुत सारी बातों पर इस मैच में जो कारण हुई हैं और पाकिस्तान के मैच में जो कारण हुई थी जिसकी वजह से हार मिला था उस पर बात कर रही है कि कहीं ना कहीं भारत बायलैटरल सीरीज में तो सही रहे, लेकिन यहीं पे आके किसी टूर्नामेंट में आके वो ढेर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है और वो अपना आपा खो देता है। और इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि कहीं ना कहीं एमएस धोनी को भी मिस किया इस मैच में, क्योंकि जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने कीपिंग की वो एमएस धोनी की याद दिला दिए, कहीं ना कहीं उनकी कमी खलने लगी थी टीम में कि एक एमएस धोनी था जो कि विकेट के पीछे से अपना गेम बदल देते थे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, कौन सा प्लेयर को खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए था, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में, तब तक आप देखिए कौन सही है कौन मैचेस आगे। अभिषेक राज कह जी बायलैटरल के शेयर और बड़े टूर्नामेंट में ढेर। देखिए बायलैटरल के शेयर, अब मुझे ये बताएं जो 6 महीने पहले मैंने कहा था कि अगर रोहित शर्मा ना जिता सका कोई टूर्नामेंट और पहला अल्टीमेट, उसके क्रेडिट पे 5 आईपीएल है, उसके क्रेडिट पे नंदीदास ट्रॉफी है, उसके क्रेडिट पे एशिया कप है, ये है वो है भाईजन टीम सिलेक्ट। आज का मैच भुवनेश्वर कुमार ऋषभ पंत, मैं समझता हूं ऋषभ पंत का स्टंप वो देखे शनाका ने कितने अंडे पे था, अंडे पे थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो भाईजान विकेट कीपर है वो रिजवान, मैं विकेट कीपर था मुझे पता था विकेट कीपर की इंस्टेंट तो चाहिए। अगर धोनी क्या करता था? धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे है? यही वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ना, विस्कर ऑफ अ सेकंड यू गेट द विकेट। आई एम नॉट डिफेंडिंग के मैंने प्रिडिक्शन आई एडमिट के मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरा सीनियर मोस्ट बॉलर है फिर 15 रन दे गया आखिर, अर्शदीप को देखें बेशक पहले ओवर में मार खा गया, दूसरे में खा गया भाई जान, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक वो मैच ले गया भाई, तुझसे नहीं लगती, तूने 2 रन क्यों करवा दिए भाई के। मनीष रावत कह जी ये टीम जीतेगी क्या वर्ल्ड कप? राहुल हुदा भुवी और पंत भाई जान बड़े सवाल है भाई जान, देखे हुदा माजरत, आज अक्षर पटेल मैं कह रहा था उसे खिला ले, बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग इससे अच्छी कर लेगा। पंत का क्यों नहीं बोलते यार? पंत का तो मैंने बोला कि जाया कर दिया, बैटिंग में कुछ कर छोड़ दिया, विकेट कीपिंग में कुछ कर नहीं होती उससे कीपिंग। अभी अब वो शनाका वाला ठीक है व्हाइट बॉल थी, लेकिन एक अच्छा विकेट कीपर उस गेंद को पकड़ता है, उसके दोनों पांव मतलब ऑफ बैलेंस हो गया था वो, और अगर ये गेंद पकड़ लेता तो जैसी 4 विकेटें गिरी थी तो तब आउट हो। छोटी छोटी जो गेम के एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा बीच में मैटर करते हैं। गौरव भरद्वाज कह रहे हैं ऋषभ पंत कांट बैट, कांट स्टंप, कांट रन, आई मिस धोनी, पंत डोंट हैव सेंड रिमूव ग्लव जनाब। सर डीके ने भी उस दिन अगर विकेट कीपिंग की बात है तो उससे भी फंबल्स हुए, जन एक ने मैं आ रहा हूं बैट्समैन रिजवान जी, आई एम नॉट ऑपोजिट टू रोहित, आई लाइक सो मच हिम, बट सेम प्लेस कोहली कैप्टन इज there means how cricket expert will talk ji nahi karenge agar rohit sharma nahi karenge aur akshay shukla ji karenge ye dikhata hai ki jadeja kitna bada aur important player hai ji dono matches mein uski kami khali।
पांड्या को जबरदस्ती 4 ओवर डालने पड़े दोनों मैचेस में। उसके साथ साथ जी एक दो मैसेज ले लें तो फिर बात करते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है, इतनी बड़ी टीम है और ये परफॉर्मेंस आ रही है। शुभम दीक्षित कहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू ब्लेम इंडिया, दिस पिच इज यूएई इज रियली गेट्स टू इजी टू बैट इन द सेकंड इनिंग्स, इंडिया शुड नॉट बी वरीड अबाउट द वर्ल्ड कप। यार देखे वर्ल्ड कप इज फार, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, आपका नंबर वन बॉलर जो था उसने 2 ओवरों में आखिरी डेथ के 19 ओवरों में एक में 19 दे दिया, एक में 15 दे दिया, तो ये वरी की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को शामी के ऊपर होना चाहिए, फलाने के ऊपर होना चाहिए, ना उसके पास पेस है, ना उसके पास उसका बॉल में वो स्विंग है, ना वो यॉर्कर कर रहा है, ना शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है, किस बिना पे आप उसको नंबर वन बॉलर बना रहे हैं। गौरव भरद्वाज जी कह रहे हैं, पंत इज मैनहुड, ही इज विलन, डोंट हैव सेंस टू रिमूव ग्लव्स, ही इज रियली विल। यार देखो अभी जो पहले बात की के जी इंडिया को कोई घबराना नहीं चाहिए, ये तो टॉस पे ही था, सब कुछ वो हो गया और ये सारी बातें और ये वो, तो फिर एक जो चैंपियन टीम है उसको चैंपियन कैसे बनती है वो? अब अगर टॉस पे फैसला हो गया तो इंडिया यानी जाएगा, अगर टॉस उनकी फेवर में आ गया तो ठीक है, वरना मैच आप हार जाएंगे। फिर वो इतने सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस टीम बैटिंग खास करके, तीनों चारों जितनी भी, चलो हांगकांग को निकाल दो, टीमें मौजूद हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो टीम इंडिया के पास है। बैटिंग में जो आपने रन्स कम किए पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन्स एंड पे, और आज श्रीलंका के खिलाफ भी आपने एंड पे 20 रन्स जो कम किए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और चले 20 किए तो किए कम, रिजवान हैदर साहब जो तोहफे की तरह हदीयतन शुक्रानातन रन्स देते रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? महीने की हम लोग आईपीएल को पसंद करते हैं, आईपीएल पे व्यूज भी कम होते हैं क्योंकि दुनिया बैठी हुई होती है, लोग सिर्फ मैच देखते हैं। मैं पहले उन लोगों को भी जवाब दे दूं, देख लो आईपीएल को मैं भी पसंद करता हूं, क्यों? दुनिया का सारा टैलेंट एक जगह आता है और कंपेटिटिव लीग होती है, उसमें इंडियन यंग प्लेयर्स को मौका मिलता है। लेकिन ये कौन सा ड्रामा है? अब अच्छी हो गई होगी क्वालिटी, ठीक है, मैंने क्योंकि जरा डेटा पे कर दिया बातों बातों में, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 2.5 महीने की आईपीएल क्या जस्टिफिकेशन है? उन 2.5 महीनों में कप्तान रोहित शर्मा तो अनफिट हो जाते हैं, वो अगले 3 महीने अवेलेबल नहीं होते, फिर वो अपने बल की वेट के साथ अवेलेबल होते हैं तो उनका दिमाग कहीं और होता है। किस तरह की पुअर लीडरशिप की है उन्होंने आज, मैं तो आज के मैच का हीरो समझ रहा था उन्हें, जो बैटिंग वो करके गए थे। मुझे मालूम है ना कि बॉल नहीं आ रहा था सही फर्स्ट हाफ में बैट पर, लेकिन भाई रोहित डिड वंडरफुली वेल, फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक नॉक, बट वॉट अबाउट योर मेन एलिमेंट कैप्टेंसी? क्या कैप्टेंसी की है बॉस आपने? अर्शदीप को आज भी 19वां ओवर नहीं दिया, हार्दिक पांड्या को आपने 18वां ओवर दिया, आप हर बार आखिरी 7 रन क्यों दे रहे हैं अर्शदीप को? वो सीनियर है, भूवी सीनियर है, अर्शदीप 19वां ओवर करता तो डेफिनेटली वो आपको 12-15 रन दे देता, बचा के थोड़ा पिट भी जाता। तो भुवनेश्वर कुमार तो 19वें ओवर में बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करते हैं और चले जाते हैं। आसिफ अली के अगेंस्ट भी वाइडे कर दी, फिर उन्होंने छक्का खा लिया 90+ मीटर का, बड़ा छक्का, बड़ा तरीन छक्का। तो भाई मेरे आपको ये देखना होगा कब तक नामों पर जाएंगे। अरे भाई नहीं अच्छा कर रहा तो पूरी टीम नहीं ले आओ, जिम्बाब्वे लेके गए आप राहुल त्रिपाठी को, ओ यार हमें अभी सुन लिया करो ना, बेवकूफ थोड़ी है, राहुल त्रिपाठी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, लेकिन एक मैच नहीं खिलाया आपने उसे। भाई शिखर धवन बैठ जाते, राहुल बैठ जाते, कोई तो बैठ जाता, गिल भी तो वहां एक्सेल करा। गिल की एक बात बता दूं, राहुल विकेट इजीली थ्रो कर रहे, हालांकि उनकी फॉर्म अच्छी लग गई है पिछले मैच से। भाई एक बार आप स्पिनर को निकल के मार लोगे, अगली बॉल पर आगे नहीं बढ़ोगे, ये कॉमन सेंस है जो क्लब क्रिकेट से हमें सिखाई जाती थी। आप फिर कोशिश करोगे अब मैं इस बार खड़े होके मारूं, फिर आगे निकल गए, भाई वो मिस्ट्री बॉलर है ठीक छाना। उसके बाद विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली अजीब ही खुमार में होते हैं, उन्हें वो दिखाते हैं मिड विकेट कि यहां मार दो, यहां फील्डर नहीं है, इस बॉलर को 21 साल बॉलर है ये, तजुर्बा भी नहीं है, आपका नाम तो विराट कोहली है, क्या मारते हैं आप? भाई आंखें मीच के थोड़ी मारना था, आंखें खुली रख के मारना था। उसके बाद ऋषभ पंत,
भाई एक छक्का मारने के लिए तो फिर दिनेश कार्तिक दो मार लेगा, फिर हार्दिक पांड्या एक छक्का मार रहे हैं, फिर कैच हो रहे हैं। तमाशा लगाया हुआ था आपने, टॉस डिसाइड कर रहा है मैच, ये बात कह के घर चले जाए, मत देखा करे कोई मैच। भाई जीतेगी दूसरी बॉलिंग वाली टीम, जीतेगी एक मैच जरूर जीतेगी। मसला यह है कि ऑर्गेनाइज वे में बॉलिंग तो कराओ, ऑर्गेनाइज वे में बॉलिंग तो कराओ कि कैसे बॉलिंग करनी है। आज इंडियन टीम नहीं हारी, आज बीसीसीआई की वो कातिल सोच हारी है, कातिल सोच कत्ल हुआ है। आज इन्होंने बर्बादी के परवाने पर जो साल पहले टीम में रिफ पैदा करके दस्तखत किए थे, आज उसका जनाजा उठा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहां पर स्ट्रोक प्लेयर को जोर से शॉट मारना होता है, ताकत से छक्का लगता, इस विकेट पर बॉनवीटा नहीं पिया किसी ने, क्यों नहीं लगे आपसे छक्के? वो इतना सा बच्चा, वो जो है कुशल मेंडिस, वो कैसे एफर्टलेस छक्के मार गया? वो इनसाइड आउट निशानका का छक्का, मतलब उसका नाम निशानका है भाई, पाथुन निशानका हम पसंद करते हैं, लेकिन क्या रोहित शर्मा की एबिलिटी, विराट कोहली की एबिलिटी उससे कम है, या ऋषभ पंत को उससे कम एक्सपोजर मिला हुआ है? दिनेश कार्तिक एकदम से गायब क्यों हुआ? 10 बॉलों पे 30 रन की इनिंग तो वही खेल रहा है एक अरसे से, यहां लाके आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, पहले तुम खेल लो बाद में पंत खेल लेगा, ये क्या आप लौट। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितने ज्यादा गुस्से में है, और वो बोल रही है कि भारतीय टीम से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का फाइनल देखने का मजा कुछ और ही होता, और भारत टीम इस साल पाकिस्तान को हरा कर अपना बदला जरूर ले लेती, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। हालांकि हर्षदीप की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हर्षदीप को पूरा ओवर जो लास्ट ओवर मिल रहा है, और 1900 ओवर में जो रोहित शर्मा ने गलत फैसला लिया वो बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि भुवनेश्वर ने जिस प्रकार से पिछले मैच में करके दिखाया था उससे रोहित शर्मा को साफ जाहिर हो जाना चाहिए था, उनको पता हो जाना चाहिए था भुवनेश्वर को हम 20 ओवर कराते और जितना कम से कम रन हो सके, क्योंकि हर्षदीप डेथ ओवर में यॉर्कर सब छे डालते हैं और दो खतरनाक बल्लेबाज थे श्रीलंका के जो स्ट्राइक पे थे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि हर्षदीप को 1900 ओवर देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और अपडेट लाते रहें, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा